हेलो स्टूडेंट्स, आई एम इंग्लिश टीचर फ्रॉम एमकेडी पब्लिक स्कूल। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास वन के लिए इंग्लिश ग्रामर का सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे। तो आज का हमारा सेकेंड चैप्टर है वॉवेल्स एंड कंसोनेंट्स। सबसे पहले हम लोग देखेंगे वॉवेल्स। वॉवेल्स के बारे में हम लोग जानेंगे। तो वॉवेल्स हम लोग किसको कहते हैं? द लेटर्स ए ई आई ओ यू आर कॉल्ड वॉवेल्स। दे आर फाइव इन नंबर्स, मतलब ए ई आई ओ यू को हम लोग वॉवेल कहते हैं और ये कितने होते हैं? पांच होते हैं। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कंसोनेंट्स को। द रिमेनिंग 21 लेटर्स आर कॉल्ड कंसोनेंट्स। तो बाकी के जो बचे हुए 21 लेटर्स होते हैं, 21 अक्षर जो होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंसोनेंट्स। ठीक है, और ये कितने होते हैं? 21 होते हैं। तो इसको अब हम लोग देखेंगे कि कंसोनेंट 21 में क्या क्या होते हैं। BCDEFGHJKLMNPQRSTUVWXYZ। तो ये कितने हुए? 21। ठीक है, तो 21 कंसोनेंट होते हैं और ये जो फाइव हैं ये वॉवेल होते हैं। तो टोटल कितने हुए? 21 प्लस 5 मतलब 26। 26 होते हैं अल्फाबेट्स ए से जेड तक। तो ए से जेड तक जितने होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फाबेट्स। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे वर्ड्स के बारे में। वर्ड्स के बारे में जानेंगे। वर्ड्स मतलब शब्द। ठीक है, लेटर्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द वर्ड्स, मतलब अक्षर शब्दों के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। ठीक है, मतलब निर्माण खंड होते हैं। एज ब्रिक्स आर नीडेड टू मेक अ हाउस, सिमिलरली द लेटर्स आर नीडेड टू फॉर्म अ वर्ड, मतलब जैसे घर बनाने के लिए ईंटों की जरूरत होती है। ब्रिक्स मीन्स ईंट। ठीक, तो जैसे घर बनाने के लिए ईंटों की जरूरत होती है, वैसे ही शब्द बनाने के लिए अक्षरों की जरूरत होती है। ऑल इंग्लिश वर्ड्स आर मेड अप ऑफ वॉवेल्स एंड कंसोनेंट्स। सभी इंग्लिश वर्ड्स वॉवेल और कंसोनेंट से बने होते हैं, मतलब स्वर और व्यंजन से बने होते हैं। ठीक, नियरली ऑल द इंग्लिश वर्ड्स कंटेन वन और अदर वॉवेल, मतलब लगभग सभी इंग्लिश वर्ड्स में एक या अन्य स्वर होते हैं। ठीक, उसके बाद है नाउ द वॉवेल्स एंड द कंसोनेंट्स इन द वर्ड्स गिवन बिलो, मतलब अब नीचे दिए गए शब्दों में वॉवेल और कंसोनेंट को हम लोग देखेंगे, कौन कौन है वॉवेल और कौन कौन है कंसोनेंट। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पे है टब, टी यू बी। तो टी क्या है? यहाँ पे हम लोग देखेंगे टी किस में है, टी कहाँ है, टी यहाँ है ना कंसोनेंट में। तो टी कंसोनेंट हुआ और यू, तो यू क्या हुआ? यू यहाँ पे है वॉवेल में, तो यू वॉवेल हुआ। और बी, बी अब इसमें हम लोग देखेंगे यहाँ पे है, तो बी क्या हुआ? कंसोनेंट हुआ। ठीक है, टब। फिर उसके बाद है बनाना, बी ए एन ए एन ए, बनाना। ठीक है, अब इसमें से हम लोग पहचानेंगे कौन कंसोनेंट है और कौन वॉवेल है। तो बी, बी क्या है? बी कंसोनेंट है और ए वॉवेल है। एन फिर क्या है? कंसोनेंट है, ए वॉवेल है। इसमें से हम लोग इसमें से देख के बताएंगे कि कौन वॉवेल है और कौन कंसोनेंट है। तो यहाँ पे बी, तो इसमें से बी यहाँ पे है, तो बी क्या है? कंसोनेंट है। ठीक है, फिर यहाँ पे ए क्या है? यहाँ पे ए है, तो ए क्या है? वॉवेल है। ठीक है, एन देखेंगे तो एन कहाँ है? यहाँ पे एन है, तो एन क्या हुआ? कंसोनेंट हुआ। फिर ए वॉवेल है, फिर एन कंसोनेंट, फिर ए वॉवेल। वैसे ही हम लोग इसको भी देखेंगे, यहाँ पे कैट है, यहाँ पे लायन है। इसमें से हम लोग देखेंगे कि कौन वॉवेल है और कौन कंसोनेंट है, ये आप लोग देखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे एक्सरसाइज में हम लोग आते हैं। पहले है
राइट बिलो द मिसिंग लेटर्स इन द फॉलोइंग सेट्स रिकॉग्नाइजिंग द पिक्चर्स गिवन, मतलब निम्नलिखित सेटों में दिए गए चित्रों को पहचानते हुए मिसिंग लेटर्स को लिखना है, मतलब ये इसको पिक्चर को देख के और यहाँ पे जहाँ पे डैश दिया हुआ है यहाँ पे लिख के इसको कंप्लीट करना है। जैसे यहाँ पे इस पिक्चर को हम लोग देखेंगे और पहचानेंगे कि क्या है, ठीक है। तो क्या है ये आप लोग पहचानिए, यहाँ पे दिया हुआ है एस पी डैश डबल आर डैश डब्लू, तो यहाँ पे क्या होगा, स्पैरो होगा। तो यहाँ पे ए लिखाएगा, यहाँ पे ए होगा और फिर यहाँ पे ओ होगा, तब क्या हो जाएगा, स्पैरो, ठीक है। फिर यहाँ पे है चेस, ठीक है, इसको पिक्चर को हम लोग देख के तब इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सी एच डैश डबल एस दिया हुआ है तो इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे लिख के, तो यहाँ पे क्या होगा, ई होगा तो चेस हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही बाकी के ये पिक्चर को देख के कंप्लीट करना है, तो ये आप लोग के लिए है, इसको इसमें पिक्चर को देख के आप लोग को इसमें लिखना है और इसको कंप्लीट करना है, ठीक है।